नमस्कार किसान भाइयों और साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेरे पास यहाँ पर आप फील्ड देख पा रहे हैं, ये जो है हमारे मिर्ची की फील्ड है। मिर्ची की यहाँ पर दो वैरायटी लगाई गई है, एक जो है हमारी नॉर्मल जो हमारे वेजिटेबल्स में यूज़ होती है, सब्जियों में यूज़ होती है, दूसरा जो है हमारा अचारी मिर्च लगाया गया है। पर एकड़ में हमको इसमें कितना उत्पादन देखने को मिल जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही इसमें कुछ स्पेशल स्प्रे होते हैं जिसका हम बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आप जो फील्ड देख पा रहे हैं, इसका फील्ड का जो है वह ड्रिपिंग सिस्टम आप देख करके चौंक जाएंगे, काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे साथियों इनका ड्रिप सिस्टम। आप जो है वीडियो में लगातार बने रहिए, आगे हम इनके जो ड्रिप सिस्टम है उसको पूरा बात करेंगे कि आखिर करके ड्रिप सिस्टम किस तरह से निकल कर आता है। ये देखिए साथियों, ये पूरा मिर्ची का प्लॉट है, पूरा चारों तरफ आप मिर्ची का प्लॉट देख पा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन फॉर्म है। अभी इसके बारे में हम पूरी जानकारी अभी चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुनील जोशी है, PBR फार्म कोड़िया, यहाँ मैं सुपरवाइजरी करता हूँ। फसल 3 महीने का हो गया है अभी, जिसमें से हम लोग 1 राउंड तोड़ चुके हैं। ठीक है, तोड़ा तो अपना ठीक आया है। सामने जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, तो उनको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हम जो है मिर्ची खेती में आने से पहले किन किन चीज़ों को खास ध्यान देना होता है, क्या क्या सावधानी रखनी होती है, किस तरह से हमको फर्टिगेशन करना होता है और इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी चाहेंगे। तो सबसे पहले ये फील्ड की, जैसे आपने जोताई कैसे की, फील्ड तैयार किस तरह से किया और बेसल में क्या डाला उसके बारे में बताएंगे। जोताई तो अपन कर लेते हैं मार्च अप्रैल में कर लेते हैं, बेसल में अपना डालते हैं वही राखड़ बस डाल देते हैं और कुछ नहीं। राखड़ डाल के अपना ट्रैक्टर से मांदा बना के खींच देते हैं, फिर अपने रेजा लोग मल्चिंग झिल्ली लगाती हैं, फिर छेद करते हैं, फिर टीपी कर देते हैं अपन 15 मई से 1 जुलाई तक टीपी कर देते हैं जी। और इसमें जैसे कि मल्चिंग की बात करें तो मल्चिंग कितने माइक्रोन का लगा हुआ है इसमें? लगोगे इसमें मल्चिंग लगा है अपना 25 माइक्रोन का। 25 माइक्रोन एक फसल के लिए ही है, मिर्ची की फसल? हाँ, मिर्ची के लिए, एक फसल के ही लिए जी। अब इसमें हम आगे जैसे कि बात करें, फिर नर्सरी के बारे में बात करते हैं, कौन सी वैरायटी इसमें आपने लगा कर रखी है? जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे थे एक वैरायटी यहाँ पर है, फिर वहाँ पर अचारी मिर्ची भी है, तो ये दोनों का वैरायटी कौन कौन सा है? ये तलवार की वैरायटी है, तलवार है, ठीक है ना, वो तो तलवार सबसे बेस्ट लगी अभी जो लगाए इस समय। तो अभी हम नर्सरी, जैसे कि हमारे किसान भाई जैसे नर्सरी अपने फील्ड में लेकर के आते हैं, तो किस तरह से नर्सरी को लगाना होता है, किस तरह से सावधानी रखनी है? नर्सरी लगाने से पहले जैसे तो अपना जो प्लाट है उसमें तो उसको पहले गीला कर लेते हैं, गीला करने के बाद में एक दिन पहले गीला कर लेते हैं खूब, उसका जैसे गर्म भाप रहता है वो सब निकल जाता है, उसके बाद दूसरे दिन फिर गीला करते हैं, फिर हल्का सा उसमें नमी रहती है उसमें जाके अपन टीपी कर देते हैं। टीपी करते हैं उसके पीछे पीछे ना अपन कुछ चीज़ का ड्रिचिंग कर देते हैं, जैसे अपना विगर राजा आता है या कोई सभी खाद होता है 1900 या कोई सभी खाद अपन एक ड्रिचिंग कर देते हैं पीछे पीछे। तो ड्रिचिंग का क्या फ़ायदा होता है? ड्रिचिंग का फ़ायदा ये होता है कि जैसे अपन लगा रहे हैं, लगाते पीछे पीछे अपना पेड़ ऐसी ना एकदम मुरझा जाता है, मुरझाना बंद हो जाता है, वो क्या होता है तुरंत उसको पानी मिलता है ना तो उसको एक ताकत भी मिलती है पूरे जड़ पौधे को, जो कि वो बहुत जल्दी काम कर लेता, मान के जो अच्छा खासा ग्रोथ करता है जी। तो अभी हम इसमें अलग अलग स्टेज के बारे में जानेंगे भैया, और इसमें फर्टिलाइज़र जो आप दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र के बारे में भी हमको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। एक फर्टिलाइज़र तो अपन जैसा अपन टीपी किए जी, तो एक दिन बाद में अपना कर देते हैं 12-61 पाँच दिन तक रेगुलर चलेगा, उसके बाद में अपन देख के ही खाद का फिर डिसाइड करते हैं। उसके बाद जैसा मान के चलो 5 दिन वो चला लिए, उसके बाद 18-18 शेड्यूल बना के अपन पर वाल के हिसाब से 1 kg के हिसाब से चलाते हैं। तो इसमें जैसे कि हम शुरुआत से बात करेंगे भैया, कि शुरुआती में हमको इसमें क्या क्या बीमारियां फेस करने को मिलती है, देखने को मिलती है, और फिर अलग अलग स्टेज में और कौन कौन सी बीमारियां हमको सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। इसमें तो बैक्टीरियल आता है, जैसे शुरू में जैसे पानी गिरा कुछ भी गिरा बैक्टीरियल बहुत जल्दी आता है, तो बैक्टीरियल का अपन ध्यान रखते हैं, और अपने इसमें सफ़ेद मच्छर आते हैं, जो सफ़ेद मच्छर जैसे ही आते हैं उसको कंट्रोल करना पड़ता है जी, अगर कंट्रोल नहीं किए तो वायरस बहुत जल्दी आता है, तो इसलिए रेगुलर 2-3 दिन के गैप में दवाई कुछ ना कुछ चलती रहती है, जिसमें बहुत सारी दवाई आती है, मेडिसिन बहुत चलती रहती है। उसके बाद फिर जैसे इसमें हम पर एकड़ में बात करें भैया, कि इसमें कितने पौधे हमारे लगभग लगे होंगे, और जैसे अगर प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो पर एकड़ हमको कितना प्रोडक्शन इसमें मिल जाते हैं? पर एकड़ पौधा तो इसमें अपना लगता है 5x1 में लगाए हैं, जिसमें से अभी अपने को लगा इसमें 9000 के आसपास, 8.5 से 9000 जी। प्रोडक्शन कितना आ जाता है प्रति एकड़ में बात करें तो? प्रति एकड़ में अपन बात करते हैं तो इसमें 400 मन आ जाता है जी, ठीक है, अगर वायरस कंट्रोल रहा तो, अगर नहीं रहा तो 350-300 मन में ख़त्म हो जाता है जी। तो जैसा 400 मन तो 1 मन रहता है 40 kg का है ना, तो इसमें मान के चलो अपन 400 मन मानते हैं तो 16 टन जी, 16 टन रहता है जी। और विशेष जानकारी मतलब इसमें विशेष सावधानी हमको ध्यान देनी होती होगी मिर्ची की फसल में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो विशेष सावधानी देनी रहती है, जैसे अपने फ्लावरिंग जब तोड़ाई चालू करते हैं ना, तो एक तो आता है अपना चिनाफोरो आता है, प्लस अपना रहता है जैसे थ्रिप्स, थ्रिप्स जो कंट्रोल कर लिया
तो मान के चलो जीत गया जी। जैसे कि मान के चलो थ्रिप से हल्का फुल्का दिख रहा है, तो जैसा कीफन है कीफन चला सकते हैं, अच्छा खासा कंट्रोल करने के लिए अपना डेली गेट सिनवा ही ठीक काम करता है जी। तो इसका स्प्रे कब कब लेते हैं, कितने दिन के इंटरवल में आप लेते हैं इसका? इसका स्प्रे अपन मान के चलो वही डेली तो दो या से तीन दिन के गैप में कुछ ना कुछ तो चलाते रहते हैं जी। लेकिन चार पांच दवाई के बाद में, जैसा डेली गेट है, जैसा सिनवा है, ये सब चीज़ ना बीच बीच में मानना ही पड़ता है जी। तो साथियों अभी सर का जो था ड्रिपिंग सिस्टम यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे, तो अभी उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जो आप पूरा देख पा रहे हैं ड्रिपिंग सिस्टम, तो इसको उन्होंने किस तरह से लगा कर रखा है, इनका पूरा सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि आपका ये जो पॉन्ड है वो कितनी कैपेसिटी का है और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या रखी हुई है आपने? ये अपना पॉन्ड है लगभग 35 से 40,000 लीटर पानी पकड़ता है जी। अपने फार्म के हिसाब से बना के रखे हुए हैं हम लोग, जैसे अपना फार्म थोड़ा बड़ा हुआ है मान के चलो 45 एकड़ का है, तो उस हिसाब से बना के रखे हुए हैं जी। इसमें से जो होगा वही 40 मीटर लंबा है और वही 10 मीटर चौड़ा है जी। तो इसका मेन फ़ायदा क्या निकल कर आ रहा है उसके बारे में हमारे सामने दर्शकों को बताएंगे, किसान भाई को बताएंगे। मेन फ़ायदा यह है कि अपना जो बोर का पानी यहाँ स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद में जैसा अपन प्लाट में जैसे दे रहे हैं पानी, जिसमें से अपना जो प्रेशर सेट करते हैं, जैसे अपने को एक घंटे में एक लीटर पानी देना है, तो अपन यहाँ से जो प्रेशर सेट कर दिए वो सेट के हिसाब से उतना ही पानी जाएगा। अपन अगर बोर से चलाते हैं तो बोर में क्या होता है प्रेशर कम ज़्यादा होता है, उसमें से जितना अपने को पौधे को पानी देना है वो दे नहीं पाते अपन, उसमें से अपना पानी कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे अपने पौधों के एक लीटर देना है, प्रेशर कम हो गया तो आधा लीटर ही पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पाएगा। इसलिए इसको बनाने का फ़ायदा वही है कि पेड़ को जितना पानी चाहिए, जो खाद चाहिए, वो सही टाइम में पहुँच जाता है जी। अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तीन बोर लगे हुए हैं। हाँ, तो इसमें से अभी तीन बोर लगने के लिए पाँच बोर है, लेकिन अभी तीन बोर चालू है क्योंकि अपने को तीन बोर का पानी अभी पर्याप्त है, तो तीन बोर ही बोर चला रहे हैं। जब जरूरत रहती है तो पांचों बोर चलाते हैं जी। इसमें लाइनिंग भी किया हुआ है अपने तालाब में जो है वो? हाँ, वो लाइनिंग करके रखे हैं अपन जी। और इसमें मछली भी देख पा रहे थे, तो आप क्या उसमें मछली भी डाले हुए हैं? हाँ, मच्छी अपन डाल दिए हैं ऐसी। चलो भाई, अब जो भी है थोड़ा बहुत कई हुई रहता है ना, वो सब थोड़ा बहुत तो संभल जाता है। जैसे ज़्यादा होता है तो सफाई तो करने पड़ता है, सफाई तो मान के चलो अपन साल में दो बार तो कर ही देते हैं जी। तो जैसे किसान भाई है जिनके यहाँ पानी की भी दिक्कत होती है और इस तरह से जैसे आप समस्या बता रहे हैं, तो उन सब चीज़ें हैं, तो वो आसानी से इसको इंस्टॉल करवाए और आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, हल हो जाता है। जैसे मान के चलो अपने पास एक ही बोर है जी, एक ही बोर का पानी सब में तो एक साथ नहीं दे सकते, तो जैसे अपन इसको इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करने के बाद में जैसा अपन रात में नहीं चलाते, रात में वो पानी इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करने के बाद अपन सुबह चला लेते हैं, तो भी एक चीज़ वो फायदा होता है कि अपना मान के चलो कम पानी में अपन एरिया ज़्यादा चला सकते हैं जी। तो साथियों अभी हम जो है सर के यहाँ पर अचारी मिर्ची जो वैरायटी थी उसका जो है हम अभी इसमें प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितना प्रोडक्शन आ जाता है। तो इसमें उत्पादन के बारे में जैसे बात करें भैया कि इसमें उत्पादन कितना आ जाता है? उत्पादन इसमें 11 टन आएगा, जैसा अपना 300 मान है 11 टन 12 टन पर एकड़ के हिसाब से जी। लगाने का टाइमिंग वही रहता है, बेसल खाद वही रहता है जी। ठीक है, लगाने का टाइमिंग सब चीज़ उसमें वही रहता है, सिर्फ इसमें फ्लावरिंग के टाइम चिनोफोरा का बस ध्यान देना पड़ता है और बाकी ब्लैक थ्रिप्स, बाकी उसमें और कोई चेंजेस नहीं रहती जी। और मार्केट के बारे में बात करें, दोनों का मार्केट में से बेहतर किसका है? जैसे अगर आप जैसे दोनों मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो अचारी का जो शुरू में रहता है अर्ली में ही मार्केट अच्छी रहती है जी। अभी टाइम में तो अपना मार्केट तो कंट्रोल हो जाता है, और बारीक मिर्ची का भी जो भी है वो भी शुरू में अच्छी रहती है। इस साल तो दोनों में देखे हैं कि रेट बहुत डाउन है पिछले साल के अपेक्षा जी। और ये हमारी जो फील्ड देख पा रहे हैं इसमें पीलापन दिख रहा है भैया, पत्ती थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? पीलापन भी आप मान के चलो इसका थोड़ा बहुत वायरस भी आ गया इसमें जी, है ना। अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा क्योंकि भैया पानी में तो अभी पूरा पत्ता भी पीला हो गया है, कैल्शियम की कमी है, तो अभी तो पानी गिरते जा रहा है, तो इसको हम लोग ना तो खाद नहीं दे पा रहे हैं ना कैल्शियम नहीं दे पा रहे जी। कैल्शियम देंगे भैया तो सुधार तो आ जाएगा जी, नहीं आएगा वाला बात नहीं, कैल्शियम देने से सुधार आ जाएगा। तो इसमें कैल्शियम कैसे चलाते हैं? कैल्शियम भैया अपन ड्रिप से ही चलाते हैं जी, है ना, कैल्शियम नाइट्रेट आता है, ड्रिप से ही चला देते हैं, अपना खा लेता है जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो सामने दर्शक है अंतिम में, कि मिर्ची की खेती को लेकर के इसमें किस तरह से खेती है, जो यदि कोई किसान करना चाहते हैं तो उनको कितना बेनिफिट मिल सकता है, इसमें क्या है बेनिफिट को बात करते हैं, तो अपन बेनिफिट तो मिल ही जाता है, नहीं मिलता वाली बात नहीं है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत पहले किसान पहले जाके देख ले, एक बार थोड़ा सीख ले तो बेनिफिट ठीक मिलती है, नहीं तो अगर शुरू में ही कुछ देखे नहीं, कुछ सीखे नहीं अगर करते हैं तो लॉस होने का डर
रहता है। जी धन्यवाद भैया सारी जानकारियों के लिए। तो साथियों वीडियो में आपने पूरा देखा, हमने इसमें मिर्ची की खेती के बारे में बात की कि आखिरकार किस तरह से इसमें जो है हम मिर्ची की खेती कर सकते हैं। और एक जो है वो इसमें मिर्ची की खेती में खास बात ये होती है साथियों कि जैसे कि हमने बात की अचारी मिर्ची हमारी जो इसमें पीलापन आ रहा है, इसमें किसान भाई वहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं, उसमें काम नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि अभी जो है मार्केट रेट उसमें हमको अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। यदि यहीं पर हमको उसमें मार्केट रेट अच्छा देखने को मिलता तो हमारे किसान भाई उसमें क्या करते, उसमें जो है वह कैल्शियम का जो है ड्रिप से चलाते, बीमारियों को कंट्रोल करते, उसमें जो है ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है हमारे जो प्लांट में हमको उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है वैसे उसमें हम फर्टिलाइज़र चलाते, फिर से हमारी फसल जो है हरी भरी हो जाती, उसमें हमको फिर से प्रोडक्शन देखने को मिल जाता। तो उसको हम उसमें खर्च यदि हम कर रहे हैं, उसमें हम एफर्ट डाल रहे हैं, तो हमको क्या उसमें रिटर्न मिल पा रहा है, तब जाकर के हम उसमें अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि यदि हम उसमें रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देकर के हम उसमें जो है वह अपना एफर्ट डालते हैं। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।